सुप्रभात। धनबाद पब्लिक स्कूल आज आपके सामने कहानी प्रस्तुत करने जा रहा है जो कि पूरे देश भर में चल रहे पीएन पालकर नेशनल रीडिंग मिशन मूवमेंट का किस्सा है, जिसके माध्यम से वर्ष 2022 तक 300 मिलियन अंडर प्रिविलेज जनसंख्या के बीच रीडिंग एवं डिजिटल रीडिंग को पहुंचाया जा सके। तो आइए, आज मैं सत्यम कुमार उपाध्याय, कक्षा पंचम का छात्र, आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है बंदर और स्वामी विवेकानंद। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी तीर्थ यात्रा पर निकले थे। कई तीर्थों की यात्रा के बाद वे काशी के विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे। मंदिर में दर्शन करके वे बाहर आए तो देखा कि कुछ बंदर इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। शायद बंदरों को भ्रम था कि स्वामी जी के पास कुछ खाने की चीजें हैं और वह स्वामी जी के पीछे पड़ गए। अपने पीछे बंदरों को आता देख स्वामी जी घबरा गए और तेजी से चलने लगे। बंदर भी उनका पीछा तेजी से करने लगे। स्वामी जी दौड़ने लगे परंतु बंदर उनको छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। स्वामी जी डर गए। अचानक पीछे से एक व्यक्ति ने आवाज लगाई, भागो मत, रुक जाओ और सामना करो। जो ही यह बात स्वामी जी के कानों में पड़ी वह साहस के साथ खड़े हो गए। उन्होंने नीचे से एक छड़ी उठाई और बंदरों के पीछे भागने लगे। बंदर घबरा कर वहां से चले गए। स्वामी जी वापस उस व्यक्ति के पास आए और कहा कि धन्यवाद, आज आपके वजह से मुझे यह सीख मिली कि हमें डर का सामना हिम्मत से करना चाहिए। धनबाद पब्लिक स्कूल आपसे आग्रह करता है कि आप भी ऐसी कोई कहानी पढ़ें, उसे रिकॉर्ड करें तथा अपने 10 सगे संबंधियों एवं मित्रों को भेजें। तो इस कहानी को पढ़ें और इस मैसेज को फैलाएं। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। धनबाद पब्लिक स्कूल, अ हैप्पी स्कूल। धन्यवाद।